इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको जीवाश्म के बारे में बताया था। इस वीडियो का टॉपिक है हमारा जीवाश्म ईंधन, यानी कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है, इससे जुड़े सारी बातों को आप जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप किन किन बातों को सीखेंगे, चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है, इसके बाद इसके अर्थ एवं परिभाषा को जानेंगे, और साथ ही साथ जीवाश्म ईंधन का निर्माण किस प्रकार से होता है इसको आप जानेंगे, और अंत में जीवाश्म ईंधन के क्या महत्व है, क्या इसकी विशेषता है, क्या इसकी खासियत है, क्या इसकी लाभ है, और क्या इसके न होने से हमें नुकसान मिल सकती है, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के माध्यम से चलिए हम सभी लोग जानते हैं जीवाश्म ईंधन के बारे में। देखिए, जीवाश्म ईंधन क्या है, सबसे जो मेरा पहला और सबसे मेन टॉपिक है वह यही है कि जीवाश्म ईंधन क्या है। देखिए, जीवाश्म के बारे में तो आपने पिछले वीडियो में देख लिया है, अगर उस वीडियो का नहीं देखा है जीवाश्म क्या है तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ एंड स्क्रीन पे दे दिया हूँ, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जीवाश्म जब अच्छे से समझ जाइएगा तो जीवाश्म ईंधन भी आपको समझ में आसानी से आ जाएगी। फिलहाल इतना समझिए कि जीवाश्म ईंधन क्या है। देखिए, यहाँ पर दो टर्म जुड़ा हुआ है, एक तो आपका जीवाश्म है और दूसरा आपका ईंधन है। ईंधन का मतलब तो इतना आप लोग समझ रहे होंगे ना कि ईंधन का मतलब क्या है, तो ईंधन का मतलब वो सारी चीज़ होती हैं जैसे कि हम लोग जलावन के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कि हम लोग जो है पेट्रोल वगैरह वाहनों में डालते हैं, डीजल वगैरह डालते हैं, तो ये सारे के सारे ईंधन के उदाहरण हैं। इतना तो आप जानते होंगे कि ईंधन क्या होता है। देखिए, जैसे हम लोग खाना बनाने के लिए भी अन्य प्रकार के जलावनों का उपयोग करते हैं, गैस का उपयोग करते हैं, वो सारे क्या आ जाएंगे, आपके ईंधन में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है आखिर। देखिए, जो जीव से प्राप्त ईंधन होंगे वही आपका जीवाश्म ईंधन कहलाएंगे। जीवाश्म मतलब जीव, जीवाश्म मतलब जीव का अंश, जीव का क्या हो जाएगा, अंश, जीवाश्म जीव का अंश, और जीव के अंश से जो ईंधन बनेंगे वही आपके क्या कहलाएंगे, वही आपके जीवाश्म ईंधन कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि हमारा जो जीवाश्म ईंधन से तात्पर्य है वो वैसा ईंधन से है जो जीव के अवशेष से प्राप्त होते हैं, जो जीव के अवशेष से प्राप्त होंगे यानी जीवाश्म से प्राप्त होंगे, और जीवाश्म से जो ईंधन प्राप्त होंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीवाश्म ईंधन कहेंगे। आई होप कि जीवाश्म ईंधन क्या है ये आपको समझ में आ गई होगी। ये किस तरह का ईंधन होता है जीव से प्राप्त होने वाले, जैसे कि कोयला। अब जीव में फिर वही बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जीव, मैंने जो बोला इसमें जीव कहने का मतलब कि जीव जंतु भी आ जाएंगे और पेड़ पौधे भी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, यानी कि जितने सारे सजीव हैं उससे जो ईंधन हमें प्राप्त होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, जीवाश्म ईंधन कहेंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल में आपको आ जाएगा कोयला आ जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ आ जाएंगे। पेट्रोलियम पदार्थ में जैसे कि आपका डीजल है, पेट्रोल है, किरोसिन तेल है इत्यादि, ये सारे के सारे क्या है, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जीवाश्म ईंधन में ये कोयला कैसे बनेगा, पेट्रोल कैसे बनेगा, कौन से सजीव जैसे कि जीव जंतु से प्राप्त होने वाले हैं, कौन से पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बस आप एकदम अच्छे से सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा, चीज़ों को समझते रहिएगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और कि जीवाश्म ईंधन के बारे में कि यह क्या है, कि यह हमारा एक प्रकृति संसाधन है। प्राकृतिक क्या है, ये हमारा प्राकृतिक संसाधन है, ये मानव निर्मित संसाधन नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, मानव के मरने से भी जीवाश्म ईंधन बनेंगे, जैसे हम लोग मर जाते हैं तो हम लोग के सड़ने गलने के पश्चात जो जीवाश्म चीज़ बच जाती है उससे जो ईंधन बनेंगे उसको भी हम लोग जीवाश्म ईंधन ही कहेंगे, लेकिन फिर भी हम घर में इसका निर्माण नहीं कर सकते हैं, हम जीते जी इसको नहीं बना सकते हैं, इसीलिए इसको मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए कि जो हमारा जीवाश्म ईंधन है वो प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि इसका जो निर्माण होगा वह प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही इसका निर्माण संभव है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। ये था हमारा जीवाश्म ईंधन। अब इसको अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा भी आप अपने लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने इतना चीज़ आपको बता दिया है। फिलहाल अगर सटीक परिभाषा की बात करें तो उसको हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि वैसा ईंधन जो सजीवों के अवशेष से प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप कोयला दे दीजिएगा, पेट्रोलियम दे दीजिएगा, प्राकृतिक गैस जितने सारे हैं वो सारे के सारे आपके जीवाश्म ईंधन के उदाहरण में आ जाएंगे, एग्जाम्पल में आ जाएंगे, राइट। जैसे कि कोयला, पेड़, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि कोयला किससे प्राप्त होगी, यानी कि पेड़ पौधे से कौन से जीवाश्म ईंधन प्राप्त होते हैं और जीव जंतु के मरने से कौन से जीवाश्म ईंधन प्राप्त होते हैं, चलिए उसको देखिए। देखिए, जितने हमारे कोयला हैं या फिर पेड़ पौधे हैं या फिर अन्य पौधे हैं, ठीक है, तो कोयला जो होते हैं ना वो पेड़ या फिर अन्य पौधे के अवशेष से प्राप्त होता है कोयला, ठीक है, और जितने सारे पेट्रोलियम पदार्थ हैं ये आपके मृत जानवरों से प्राप्त होते हैं। मृत जानवर में जैसे कि अब बहुत सारे बड़े बड़े जानवर जीव जंतु आ जाएंगे, हम लोग भी आ जाएंगे, हम लोग भी मरेंगे, तो हम लोग से क्या कोयला बनेगा या फिर हमारा पेट्रोलियम पदार्थ बनेगा, तो आपका जवाब होगा कि हम लोगों के मरने से यानी जीव जंतु के मरने से पेट्रोलियम पदार्थ बनते हैं। कोयला किससे बनेंगे, तो कोयला पेड़ पौधे के
मृत होने से उसके अवशेष से जो बनते हैं वो आपका कोयला हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको जीवाश्म ईंधन में मैंने दो चीज़ों के बारे में बताया कि कोयला का निर्माण कैसे होगा और पेट्रोलियम पदार्थ का निर्माण कैसे होता है। इन बातों का आप याद रखिएगा। और जीवाश्म ईंधन जो है यह आपका गैर नवीकरणीय स्रोत है, इसीलिए कहा जाता है कि जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम डीजल का उपयोग किया जाए, प्राकृतिक संसाधन जैसे कि आपके कोयला का उपयोग किया जाए, पेट्रोल का कम से कम उपयोग किया जाए। क्यों? क्योंकि इसका नवीकरणीय प्रोसेस नहीं है, ये आपके गैर नवीकरणीय प्रोसेस है, यानी कि एक निश्चित समय के बाद हमारे पृथ्वी से ये सारे के सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे। इसीलिए जितना कम से कम हो सके उसका उपयोग करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस तरह के संसाधन को सुरक्षित रख सकेंगे, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे भविष्य की जो भावी पीढ़ियां हैं वो भी इस तरह के संसाधनों का भी उपयोग करके उसका लाभ ले सके। ठीक है, तो ये थे हमारे जीवाश्म ईंधन, उसकी परिभाषा को देखा आपने। अब ये निर्माण कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जिस तरह से जीवाश्म का निर्माण होता है ना, सेम वही प्रोसेस है जीवाश्म ईंधन के निर्माण होने का। यानी कि जो भी हमारे सजीव होते हैं वो क्या होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो क्या होते हैं कि धूल कण मिट्टी वगैरह के नीचे या फिर चट्टान के नीचे क्या होते हैं, दब जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर एक सजीव मर गया, फिर इसके ऊपर देखिएगा धूल कण का परत जमना स्टार्ट हो गया, एक समय के बाद और नीचे चला गया, फिर देखिएगा ये सबसे नीचे तलहटी में बैठ गया। अब क्या होगा कि धीरे धीरे इसका अपघटन शुरू हो जाएगा और अपघटन के फलस्वरूप जो है वो उसमें वो जीवाश्म ईंधन में बदल जाएंगे। और जब जीवाश्म ईंधन में बदलने के बाद क्या होगा कि हम उसका उपयोग कर पाएंगे। अब एक चीज़ देखिएगा कि जो यहाँ पर जीव मरा वो सबसे नीचे चला गया, ठीक है, अब उसके ऊपर परत बनते गया, ठीक है। अब यहाँ जीवाश्म ईंधन भी बनेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पेट्रोल बना, ये जंतु था इसलिए इससे क्या बना, पेट्रोल बना। तो हम सभी लोग जानते हैं ना कि पेट्रोल कहाँ से मिलती है, तो हम सभी लोग को इतना पता है कि पेट्रोल ज़मीन के नीचे से मिलती है। और ज़मीन के नीचे से क्यों मिलती है, क्योंकि उसके ऊपर परत बन जाता है और ये जीव जो है नीचे दब जाते हैं और यही जीव जो है पेट्रोलियम पदार्थ में बदल जाते हैं। इसीलिए हम सबको इतना पता है कि धरती के नीचे से पेट्रोल निकाला जाता है। अब इसका तथ्य आप समझ गए क्यों बोला जाता है कि धरती के नीचे से पेट्रोल निकाला जाता है, क्योंकि ये दब के धरती के नीचे पहुँच जाते हैं और वहीं पर जीवाश्म ईंधन बनते हैं, इसीलिए ये नीचे से ही निकाला जाता है। तो ये थे आपके जीवाश्म ईंधन बनने की प्रक्रिया। इसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि लंबे समय पर जब उच्च तापमान दबाव के कारण या फिर जब ऑक्सीजन अपूर्ण ढंग से मिलेगी तो क्या होता है कि पौधे और जानवरों का जो अपशिष्ट के जो अपक्षय होते हैं वो प्रक्रिया चलती रहती है और परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा कि कार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या है कि ये सब बदल जाते हैं और यही क्या कहलाती है, यही हमारा जीवाश्म ईंधन कहलाती है। तो ये थे हमारे जीवाश्म ईंधन के निर्माण करने की प्रक्रिया। आगे चलिए हम लोग जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन का क्या महत्व है, ये हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, इसका क्या खासियत है, इसकी क्या विशेषता है, इसको जानिए। देखिए, जो हमारा जीवाश्म ईंधन होता है ना, ये ज़मीन और अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। मैंने अभी बताया ना कि जीवाश्म ईंधन ज़मीन से प्राप्त किया जाता है, मतलब ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है, ठीक है। और ऊर्जा उत्पादन के लिए ये जो है ना सबसे उपयुक्त रूपों में से में परिवर्तित किया जाता है इसका, और ये सबसे उपयुक्त संसाधन है आपके ऊर्जा के लिए जो भी जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। ये आपके दैनिक जीवन में बहुत जगहों इसको यूज़ किया जाता है। साधारण आप खुद ही इसका कल्पना कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं आप डेली, ठीक है। तो ये आपके जीवाश्म ईंधन के पहला महत्व था। दूसरा है कि बिजली भी लगभग 90% मांग जो है वो जीवाश्म ईंधनों से पूरी की जाती है। अब देखिए, आधुनिक समय में बिजली का 90% तक की जो डिमांड है उसकी पूर्ति किससे की जा रही है, तो उससे पूर्ति जो है आपके जीवाश्म ईंधन से की जा रही है। जैसे पुराने ज़माने में आप देखते थे कि जो ट्रेन चलती थी वो कोयला पर चलती थी, किससे चलती थी, कोयला पर चलती थी, तो कोयला भी क्या था आपका, जीवाश्म ईंधन ही था। अब यहाँ पर क्या है कि कोयला पर ना चल के बिजली चलाई जाती है, और बिजली की भी पूर्ति कहां से की जाती है, जीवाश्म ईंधन से की जाती है। तो कहीं ना कहीं ट्रेन आज भी हमारा जीवाश्म ईंधन पर ही आधारित है, लेकिन क्या है कि पहले डायरेक्ट कोयला का उपयोग किया जाता था, अब डायरेक्ट कोयला का उपयोग ना करके बिजली का उपयोग किया जाता है, लेकिन बिजली भी कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चलती है तो आपके जीवाश्म ईंधन के माध्यम से ही चलती है, ठीक है। तो ये आपके लिए वहां पर भी इसका महत्व है। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन है उसमें से प्राकृतिक गैस आते हैं, कोयला आते हैं और पेट्रोलियम आते हैं। प्राकृतिक गैस का उपयोग तो करते ही करते हैं आप लोग, कोयला का भी उपयोग करते हैं, आप जानते हैं कि कोयला का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, बहुत सारे जगहों पे किया जाता है। पेट्रोलियम के उपयोग से तो आप
सब हम सभी लोग वाकिफ़ हैं। जैसे कि हम लोग को अपने जो घर में जो भी वाहन होंगे उसमें या तो हम लोग पेट्रोल डालते हैं या फिर डीजल डालते हैं, ये तो हमारा पेट्रोलियम पदार्थ आ जाएंगे। तो ये सब हमारा क्या है कि अगर ऐसा तभी संभव है जब हमारे पास जीवाश्म ईंधन है, तो इसकी ये महत्व को दर्शाती है। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग हम लोग वाहनों मशीनों इत्यादि के रूप में करते हैं, और साथ ही साथ जितने सारे जो है ना ताप उत्पन्न करने की प्रक्रिया, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसको ये समझिएगा ताप लिखा हुआ है, ठीक है। जितने सारे ताप उत्पन्न की जाती है, जहाँ पर ऊष्मा का उत्पन्न किया जाता है, तो वहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि जीवाश्म ईंधन का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट थे ना, ये आपके जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो में मैंने अभी तक आपको बता दिया जीवाश्म ईंधन का अर्थ क्या था, उसको वो जीवाश्म ईंधन होता क्या है, उसकी परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं, उसका निर्माण कैसे कैसे होता है, और जीवाश्म ईंधन के कौन कौन से महत्व थे, क्या इसकी विशेषता थी, क्या इसके लाभ थी, इन सारी चीज़ों को मैंने अभी तक आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी आपको या फिर समझ में नहीं आई, दोनों में से जो भी बातें हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के रोचक महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी भी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर्कर स्टडी को। धन्यवाद।